फाइनली इंडिया ने शेयर करो एप्लीकेशंस को लॉन्च कर दिया है, जो शेयर इट के बंद होने के बाद, शेयर इट बंद होने के बाद इंडिया ने अपना खुद का एप्लीकेशन शेयर करो के नाम से लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपको कि शेयर करो एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ करना है। ये एप्लीकेशन शेयर इट से भी बेहतर एप्लीकेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सिंपली आपको शेयर करो एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ओपन बटन पे क्लिक कर देना है। ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद आपका शेयर करो एप्लीकेशंस ओपन हो जाता है। इसके बाद इसको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसको आप अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आपका शेयर एप्लीकेशंस ओपन हो जाता है। यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से फाइल को रिसीव कर सकते हैं, आप यहां से फाइल को सेंड कर सकते हैं, आप यहां से हिस्ट्री जान सकते हैं, आप यहां से किसी को इनवाइट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस काफ़ी बढ़िया हैं। आप शेयर इट जो आपने पहले यूज़ किया था उससे काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है। इसका जो स्पीड है शेयर इट से भी काफ़ी बढ़िया है। तो आप यहां से सेंड कर सकते हैं किसी फाइल को, आप यहां से चूज़ कीजिएगा। इसके बाद आप किसी भी फाइल को, किसी भी एप्लीकेशंस को, वीडियोज़ को, फाइल को आप यहां से काफ़ी आसानी से अपने दूसरे मोबाइल में आप यहां से शेयर सेंड कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस है। ये शेयर इट से भी काफ़ी फास्ट एप्लीकेशंस है। आप यहां से आसानी से किसी भी एप्लीकेशंस को, किसी भी फाइल को, किसी भी फ़ोटोज़ को आप यहां से आसानी से सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के लिए आपको जस्ट एक सिंपल सा वही प्रोसेस है जो आप शेयर इट में देखे होंगे। इसको आप किसी भी फाइल को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे, सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जीपीएस ओपन कर देना है। इसके बाद आपको जीपीएस ऑन करने के बाद, इसके बाद ब्लूटूथ ऑन कर देना है। इसके बाद लोकेशंस को परमिशंस कर देना है, लोकेशंस को परमिशन कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपका नियर जो डिवाइस होगा वो आपका यहाँ पे सर्च कर लेगा, नहीं तो सिंपली आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। बारकोड को स्कैन करने के बाद भी यहाँ से फाइल को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शेयर करो एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, जो शेयर इट से काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसमें जो है जो भी आपने फाइल भेजा उसका यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके बाद यहां से किसी भी दोस्त को आप यहां से इनवाइट कर सकते हैं। यहां से थ्री डॉट लाइन पे आप क्लिक करके उसका अपना यहां पे जो भी आप फोटो यहां पे सेव कर सकते हैं अपना, इसको अपडेट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग में जाकर आप इसकी यहां पे स्टोरेज लोकेशंस जो है आप कर सकते हैं। इसके बाद आप प्राइवेसी पॉलिसी यहां से कर सकते हैं। इसके बाद यहां से ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके जा सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाता है। शेयर इट एप्लीकेशन से भी बढ़िया आपको इसमें शेयर करो एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए।